Seven Pros Pro Wrestling League, powered by Thumbs Up Davit. Antes da pela mukabla ek super tigranda, Georgia to Revanta Mumbai Gurura de Levan Berianidze. Wrestling League, powered by Thumbs Up Davit. Hunarene, JSW, Bengaluru Yoddhas de, Modzmanashvili, Davit. So, two heavyweight khiladi aamne saamne. Commentary box mein main hu Raman Bharot. Swagat Ayaz Memon aur Manoj Joshi ka. Dhanyawad Raman. Aur halaki Bangalore aur Mumbai ke beech faasla takriban 800 kilometer ka hai, lekin kushti mein lagta hai dono ki barabar ki takkar hai. दोनों ही टॉप ऑफ द टेबल है. बहुत ही इंपॉर्टेंट टाई आज का और पहला बाउट हैवी वेट. मनोज, दोनों ही जॉर्जिया से. जी हाँ बिल्कुल, दोनों जॉर्जिया से हैं. लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2015 में हुई थी वहां पर लेवान ने आर्मेनिया को रिप्रेजेंट किया था, जॉर्जिया को नहीं किया था. लेकिन है मूलतः जॉर्जिया के, दोहरी नागरिकता है उनके पास. और यहाँ इन दोनों के बीच में दो दो कुश्तियां अब तक हुई हैं और दोनों ही बार लेवान ने बाजी मारी. एक स्टेवन सार्गेन कप हुआ था इस साल में, वहां लेवान जीते थे 4-1 से. और एक जॉर्जियन चैंपियनशिप हुई उसमें भी लेवान विजयी रहे थे. और अमन, थोड़ी सी जो कंफ्यूजन अगर हो तो वो क्लियर कर दे हम के क्यों टॉस में 97 किलो के जो जो एक ऑब्जेक्शन आया था हैवी वेट में उसको चेंज कर दिया. क्योंकि पिछले बाउट में ये बॉक्सर्स, ये रेसलर्स जो है वो ब्लॉक किए गए थे, इस वजह से दूसरी बार आप उन्हें ब्लॉक नहीं कर सकते. एब्सोल्युटली, टॉस के समय यही हुआ था कि चॉइस 125 किलो वर्ग की थी. लेकिन याद रखिए डेविड जो है उनको पहले भी ब्लॉक किया जा चुका है, तो दूसरी बार ब्लॉक नहीं कर सकते आप किसी रेसलर को. इस वजह से वेट कैटेगरी बदलनी पड़ी और आपने फिर मेंस 97 किलो वर्ग की कैटेगरी को ब्लॉक किया. और वहीं पर वुमेन्स कैटेगरी में भी चेंज हुआ. 53 किलो वर्ग ब्लॉक किया गया था, उसको बदल के 58 किलो वर्ग किया गया. यानी कि साक्षी मलिक और यूलिया रैटकेविच का जो बाउट था उसको ब्लॉक किया गया बेंगलुरु द्वारा. और यहाँ पर नुकसान हो सकता है, ये रेफरी ने रोका. पैसिविटी के लिए शायद सवाल उठाए हैं. साक्षी मलिक जिन्होंने गीता फोगट को हराया था पहले टाइम में मुंबई के, तो आज वो नहीं उतरेगी मैट पर. बिल्कुल, और वहीं पाब्लो ओलिनिक और ओडी काजे इस बार भी आज मैट पर नहीं होंगे. बाकी वेट कैटेगरीज जो है, बची हुई 7 वेट कैटेगरीज, उनके मुकाबले आज खेले जाते हुए. सबसे पहला मुकाबला इस समय, लगभग 2 मिनट का समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अंक दर्ज नहीं किया किसी भी रेसलर ने. नीले कॉर्नर के अंदर है बेंगलुरु के डेविड. नियमानुसार पहले 2 मिनट तक कोई अंक नहीं बटोर पाता पहलवान, तो वहां कुश्ती को रुकवाया जाता है और पैसिविटी देखी जाती है और 30 सेकंड का समय दे दिया जाता है. और यहां यदि 30 सेकंड तक वो पहलवान अंक बटोर लेता है तो ठीक है, अगर आप अंक नहीं बटोर पाते तो अपोनेंट को वो अंक दे दिया जाता है. तो वही स्थिति चल रही है और गणना चल रही है 30 सेकंड की. और एक अंक दे दिया गया है बेंगलुरु की तरफ से. डेविड मोज्वेनेशली एक अंक लेने में कामयाब हो चुके हैं. याद रखिए ब्लू कॉर्नर के अंदर अब बढ़त जेएसडब्ल्यू बेंगलुरु योद्धास के पास. और लगभग अब 21 सेकंड बचे हैं पहले राउंड के अंदर. याद रखिए 2 राउंड है 3-3 मिनट के, बीच में 90 सेकंड का अंतराल रेस्ट पीरियड. और इस पहले राउंड में अब लगभग 10 सेकंड ही बाकी आया है. लेकिन अब तक मेरे ख्याल से ये जो मोमेंटम कुछ खास नहीं पकड़ा है. दोनों जॉर्जिया के रेसलर्स दोनों की कोशिश एक दूसरे का माप तोल कर रहे हैं और बहुत ही धीमा लड़ रहे हैं. और उनका वजन जो है 125 किलोग्राम की अधिकतम सीमा है. तो ये था स्कोर पहले राउंड के बाद इस बाउट के अंदर. डेविड मोज्मनेशली 1-0 से आगे लेवान बेरेनीज के खिलाफ. बेंगलुरु के रेसलर के पास एक अंक की बढ़त. और ज्यादा फुर्ती दिखाते हुए दोनों ही रेसलर्स. दूसरा राउंड केवल 3 मिनट का होता है एक राउंड, और ये बाउट 2 राउंड्स के होते हैं. अब तक 1 पॉइंट की बढ़त बेंगलुरु के डेविड मोज्मनेशविली. और वो भी इसलिए क्योंकि वो धीमा लड़ रहे थे, स्लो लड़ रहे थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें पैसिविटी हुई थी.
और वो अंक नहीं बटोर पाए थे, जिसके फलस्वरूप अंक मिला डेविड को। हिदायत मिलती हुई सर ऊपर रखने की मॉड्समैनेशली को, के काफी हेड बटिंग कर रहे थे पहले, जिसके ऊपर पैनी नजरें रेफरी की। इस मुकाबले के रेफरी अशोक कुमार नजरें जमाए हुए। एक्शन मिला, पैर पकड़ने की कोशिश अब तक किसी रेसलर ने नहीं की है, हालांकि लेवान की कोशिश थोड़ा बिलो द वेस्ट की कुछ चाल चले। और दूसरे हाफ में नियमानुसार, चाहे पहला हाफ हो चाहे दूसरा हाफ हो, यदि आप कोई अंक नहीं बटोरते, बहुत धीमा लड़ते हैं, तो पैसिविटी दी जाती है। और डेविड को इस बार पैसिविटी मिली है, पिछली बार लेवान को मिली, इस बार 30 सेकंड का उनका इम्तिहान, आक्रमण का इम्तिहान शुरू हो गया है। और 30 सेकंड में उन्हें अंक बटोरना ही होगा, और वहीं एक तरह से मैं कहूंगा रक्षण का इम्तिहान हो गया है लेवान का। जो किसी तरीके से 30 सेकंड निकाल लेते हैं तो उनको अंक मिलेगा बराबरी सूचक। जी हाँ बिल्कुल, याद रखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा आक्रामक रुख अपनाते हुए डेविड, और अपने आप को थोड़ी मुश्किल में पाया। बहुत जबरदस्त डिफेंसिव प्ले लेवन बेरियनिज का, और जी हाँ एक अंक लेने में कामयाब हुए, क्योंकि 30 सेकंड तक स्कोर नहीं करने दिया था डेविड को, तो पैसिविटी का जो एडवांटेज था वो मिलता हुआ लेवन बेरियनिज को, एक एक की बराबरी। और ये अब ऐसा लग रहा है कि कुछ क्लिफ हैंगर हो जाएगा मनोज। जी हाँ बिल्कुल, यही स्थिति आई थी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मंगोलियाई पहलवान के खिलाफ नरसिंह यादव की, और दूसरे हाफ में नरसिंह यादव को ये पैसिविटी का हर्जाना भुगतना पड़ा था। और यहाँ रेड जो येलो जोन है उसके करीब मुकाबला चल रहा था, और इस बार फिर चेतावनी दी गई थोड़ा धीमा लड़ने के फलस्वरूप। ज्यादा वक्त नहीं है, अब केवल 1 मिनट और 10 सेकंड के करीब बाकी है इस पहले बाउट में। आज का पांचवा दिन प्रो रेसलिंग लीग का सेकेंड लेग लुधियाना में गुरु नानक इंडोर स्टेडियम में खेला जा रहा है। याद रखिए 125 किलो वर्ग का जो की जो कैटेगरी है, इसके अंदर आपको इतनी ज्यादा तेज तरार मूवमेंट ही देखने को मिलेगी, भारी भरकम शरीर, अपर बॉडी स्ट्रेंथ का ज्यादा इस्तेमाल दोनों ही रेसलर्स करते हुए। और ये बात समझी भी जा सकती है क्योंकि सुपर हैवी वेट वर्ग का ये मुकाबला है, और यहाँ अक्सर ऐसी स्थिति आती है और बहुत धीमा लड़ते हैं पहलवान, और इसी वजह से इस वजन में सबसे ज्यादा पैसिविटी दी जाती है। पर मनोज ये अंतिम 30-40 सेकंड जो है काफी निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टैमिना है आपको लग रहा है ज्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन स्टैमिना अब टेस्ट होगा इन दोनों रेसलर्स का। और एक पॉइंट की बढ़त मिल गई है लेवान को यहाँ पर, तो बहुत कोशिश करनी होगी, समय बिल्कुल कम अब डेविड के पास। और कोई भी पहलवान क्योंकि दो अंक की तकनीक नहीं लगा पाया है, इसलिए यहाँ पर यदि स्थिति पलटती है और डेविड एक अंक बटोरने में सफल हो जाते हैं तो विजय उन्हीं की होगी, क्योंकि आखिरी अंक के आधार पर वो विजय रहेंगे। फिलहाल वो स्थिति नहीं आएगी क्योंकि पीछे आए खूबसूरती के साथ, और ये दो अंक बटोरने में कामयाब रहकर अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में कामयाब हुए लेवान जॉर्जिया के पहलवान। और इसी के साथ समय भी समाप्त होता हुआ, लेवान बेरियनिज जॉर्जिया के 25 वर्षीय पहलवान यहाँ पर अब पहली जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं रेवांता मुंबई गरुड़ की टीम के लिए। हराया उन्होंने डेविड मॉड्समैनेशवली को 4-1 का फासला, और खाली मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए, लेकिन जीत और पहली बढ़त रेवांता मुंबई गरुड़ की टीम की को मिलती हुई।